हेलो भाई लोग, तो हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और ये देखो भाई, मैंने घर में बहुत सारी चेंजेस किए हैं, खतरनाक हो गया घर। ये देखो, मैंने यहाँ स्टैंड लगाया। अरे, ये स्टैंड मुझे नीचे लगाना था। हाँ चलो भाई, चलते हैं नीचे लगाने। और भाई साफ खतरनाक हो गया घर। अब देख, तो बाहर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें शुरू से मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये सब मैंने ऑफलाइन मोड में किया। देखो, ये मैंने यहाँ पर लगाई थोड़ी सी फार्मिंग की। ये यहाँ पर पम्पकिन्स हैं, उसके बाद वीट है, उसके बाद बीट रूट है। ये मैं गांव से लाया था। फिर ये गाजरे हैं, फिर इन गाजरों के बाद फिर से वीट है, और शायद उसके बाद पोटैटो है। भाई ओ भाई, थोड़ा दूर है यहाँ से, दूर है यहाँ से, दूर है यार, मेरे पास नहीं आना। हाँ पास आओ, मार देंगे। आइश, और ये है यहाँ पे थोड़े से हमारे, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पटेटोज। और ये देखो क्राटोज, मेरा मतलब देखो इस तरफ कोई चेंज नहीं है, इस तरफ ऐसा ही है। और ये देखो, हमने थोड़ी कारपेट बनाई है, और हमारा डॉगी तो ऐसा ही है। और ये देखो, हमने नीचे अंडरग्राउंड रास्ता बनाया, तो क्या तुम तैयार हो इसे देखने के लिए? चलो भाई चलते हैं। और ये हम पलटे, ठीक है, क्या लस्त लग रहा है ना, खतरनाक लग रहा है हमारा रास्ता घर का। अरे वहीं रह गया भाई, इधर आओ। अरे खतरनाक, देखो भाई ये है हमारा एक्वेरियम। हमने जगह बचाने के लिए एक्वेरियम यहीं लगा दिया, और यह लग गया हमारा स्टैंड। एडवेंचर पर चलते हैं। हाय, एडवेंचर के लिए हमें थोड़ा खाना और सोना पड़ेगा। हमने बेड भी लेकर आए थे गांव से। और ये देखो भाई, पेंटिंग्स देखो घर में, पेंटिंग्स देखो, इतनी सारी वूल। और ये नीचे का रास्ता देखो भाई, पेंटिंग दिखाना था, हम भूल ही गए। पेंटिंग देखो, और ये खतरनाक घर है एकदम, कुंफू कराटे। और ये आग में जलाता हुआ हाथ के क्या शायद वो। उसके बाद फिर है ये, वो मेरा गला खराब है। फिर ये शायद से कोई क्रीक कॉर्ड है, और खाली पड़े हैं सारे चेस्ट, मैंने कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। कहाँ जा रहे थे हम? हम जा रहे थे अपने गांव की तरफ। तो गांव की तरफ जाने में कोई फायदा, ये पानी है, ये भाई, ये पेड़ ऐसे ही पड़े। देखो भाई गांव ही है, मैं सोच रहा हूँ गांव को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, गांव में भी कुछ चीज़, लेकिन आते हुए करेंगे तो अपने कोऑर्डिनेट्स याद करने पड़ेंगे। एक सेकंड, गांव के याद कर लेते हैं, अपने तो याद रहने नहीं वाले। गांव के इस तरफ जा रहे हैं, हमें इसी दिशा में वापस आना पड़ेगा। अरे यार, मैं मैप बनाना भूल गया। चलो छोड़ो, मुझे मैप बनाना था एक। अब मुझे कुछ चीज़ मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, इसी दिशा में सीधे 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 चलते रहो बस। तो क्योंकि इस तरफ हमारा जेड कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है, जेड घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है, मानना चाहिए ऐसा। नहीं, क्रीपर को तो मैं बिल्कुल, तो भाई तुम देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा चला, और मुझे जंगल बायोम मिल गई। तो यहाँ हमारे सीड पे जंगल बायोम भी है, बहुत बढ़िया।
ओ भाई ये तो हमें ये भी मिल गए, जंगल बायोम हम तो मिली गई। और ये देखो भाई साहब बेम्बूस, इन्हें मैं तोड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तो मुझे स्केफोल्डिंग्स बनानी है, मुझे बहुत पसंद है स्केफोल्डिंग्स। भाई रात हो रही है और तुम्हें पता है जंगल बायोम बहुत खतरनाक होती है। जंगल बायोम खतरनाक होती है तुम्हें पता ही होगा, बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब रात हो रही है भाई, मैं रात को एक क्रीपर आ गया वहां पे, तो भाई मैं सोने वाला हूँ, सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। भाई ओ भाई क्रीपर नहीं, क्रीपर भाग यहाँ से, मेरे पीछे मत आइयो, मेरे पीछे मत आइयो, मेरे पीछे मत आइयो, मेरे पीछे मत आइयो। और मैं किसी बेल पे, अच्छी बात है मेरे पीछे नहीं आ रहा, और मैं कहाँ जाऊँ यार, कहीं बेल ही नहीं है क्या, क्योंकि बेल ना अगर, ओ यार फिर से मुझे आवाज़ आ रही है स्केलेटन की, शिट। तो भाई यहाँ कहीं बेल ही नहीं है क्या, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ कूद जाऊँ। नहीं भाई जब यहाँ से रास्ता है तो मैं वहाँ क्यों कूद, अब शायद कूद सकता हूँ मैं। देखो भाई बेल का ये फायदा होता है, भाई उस तर, ओ यस यहाँ पे टर्टल है, वाह। और हमारे इलाके में टर्टल ही नहीं है, मुझे टर्टल चाहिए, मुझे टर्टल चाहिए। टर्टल्स है भाई, वो मिलते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, स्क्यूट शेल्स, स्क्यूट्स मिलते हैं, उससे हम एक तरह का शेल बना सकते हैं जिससे हम अंडर वाटर शायद लॉन्ग टाइम तक सांस ले सकते हैं। ये नहीं पता इनफाइनाइट ब्रीथ होती। ओ भाई यहाँ पे तो डार्क ओक है, मुझे लेने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं डार्क ओक से। मैं एक डार्क ओक की सैपलिंग ले लेता हूँ यार, मुझे बहुत पसंद है डार्क ओक। मुझे एक ही बहुत है, और थोड़ी सी लकड़ी भी ले लेता हूँ ताकि मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास के लिए सम, ओ वहाँ पे डेड विलेज है, ये डेड विलेज है ना, यस वी गॉट द डेड विलेज, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ब्रिंग, हाँ वो एक क्या बोलते हैं उसे, और पता है मैं यहाँ से बहुत सारी ये भी लेने वाला हूँ, इससे पता है फ़ायदा क्या होगा, मैं अपनी स्कैफोल्डिंग्स बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग एक, ओ भाई यार यहाँ पे वो है जादूगरनी, मुझे आवाज़ आई, मुझे किसी की बोतल फोड़ने की आवाज़ आई, अब ये नहीं पता कि कहाँ पर है वो। ओ भाई तू गड़ जा यहाँ मत आ, तो क्राफ्टिंग टेबल मिलेगी तो मैं ज़रूर एक यहाँ पे वो बनाऊँगा। स्वॉर्ड जल्दी मिल जाए यार क्राफ्टिंग टेबल पे, यार ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड इसके लिए भी चाहिए। क्या बताते घर में क्राफ्टिंग टेबल हो, हमारा डिसीजन रॉन्ग था।
इसमें हो सकती है यार बड़ा। नहीं यार कहीं हो भाई, ब्रिंग स्टैंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डू। मेरा पिकेक्स, मेरा पिकेक्स में डेरी यार। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है तुम्हारी? मुझे तो एक स्वॉर्ड बनानी है बस, बहुत सारी स्ट्रिंग्स ले जाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। क्राफ्टिंग टेबल, ओ ये भी है, बेल मैं अपने घर पे लगूंगा। वैसे भी डेड विलेज है, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं इन्हें। यहाँ मैं आ चुका हूँ भाई, क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी मेरे को। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, और ये बन गई हमारी क्राफ्टिंग टेबल। इसे मैं यहाँ रखूँगा, और इससे बनाऊँगा मैं एक डंडी, एक और डंडी, और मेरे हिसाब से मुझे चाहिए थोड़ी सी कोबल स्टोन। कोबल स्टोन तो हमारे पास बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ये रहे देखो, ये कोबल स्टोन है, ये कोबल स्टोन है, ये वाला कोबल स्टोन है, और मेरे हिसाब से इतने काफ़ी रहेंगे। एक तलवार बनाने के लिए दो ही चाहिए होते हैं, मैंने तो एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये बन गई हमारी तलवार। ए देखो गार्डन आ गया, ये होता फूलों का गार्डन। इसमें तुम्हें लगभग हर कलर के फूल मिलेंगे। देखो भाई क्या खतरनाक फूल है। वहाँ शायद एक और घर दिख, ओ यस एक और विलेज। मैं अब सोच रहा हूँ कि वहीं जाके ठहरते हैं, वहीं ओ भाई वो पेल रहा है गोलम सबको, मुझे मदद करनी चाहिए उसकी। नहीं तो मेरे पास ब्रिंग स्टैंड तो आ चुका है एक फालतू में, मैं नैदर नुदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। नैदर में जाने के लिए तो लैक्टर क्या हम ले सकते हैं? मेरे हिसाब से मुझे बुक्स भी लेनी चाहिए, पर कोई फ़ायदा नहीं है इस विलेज के। हमें लोकेशन लिख लेता हूँ मैं एक जगह, रुको मैं अभी लिख लेता हूँ। जब मेरे पास डायमंड्स आएंगे और एक क्या बोलते हैं उसे
एनचांटिंग टेबल आएगी उसके बाद ही, तो खाली है शायद वो, ये तो एम्प्लॉयड है। तो हाँ, मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक चेस्ट की जिसमें मैं सामान निकाल सकूँ और अपना सामान रख सकूँ। मैं एक और चेस्ट लेके निकल रहा हूँ यहाँ से बस। ओ भाई साहब, ये मैं ज़्यादा उगाना भी नहीं पड़ा। ओ भाई पीछे हट, ज़्यादा उगाना भी नहीं पड़ा हमें, और तुम देख सकते हो कि वो मिल गया हमें, हे बेल सॉरी ये सब। तो
नहीं चलो भाई, खाना तो बहुत सारा है, हेल्थ बढ़ा सकते हैं। तो भी हमें यहाँ तारदन बनना पड़ रहा है, कितने सारे पेड़ पेड़ छलांग छलांग के जा रहे हैं, पेड़ कूद कूद के। तो भी पेड़ कूदने में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, और ये हमारा जवाब दे दिया पेड़ ने नीचे गिरा के। यहाँ तो मैं आ गई है, तो यहीं से कूद जाते हैं। और ये हमारी छलांग खत्म। ओ यहाँ पे आयरन था, तो क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं यार, आयरन तो बहुत मिल जाता है वहीं भी, सारे को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। स्मेल्ट करके मैं टूल्स ही ना बना लूँ इससे। ओ भाई साहब, ये टूट जाएगा ना आज। भाई टूट जाएगा ना तू, वो भाई मैं मर जाऊंगा। एक पत्थर तोड़ने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं मरा तो भाई साहब मैं पता नहीं कहाँ स्पॉन होऊंगा। तो मैं ये जोखिम भरा काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे दिख गया है कि वो बहुत देर में टूट रहा है। तो मैं काम करता हूँ, अगर फिर कभी आए अच्छी वाली पिकेक्स लेके, तो इसे भी निकाल लेंगे। हमने बहुत उच्च लेवल का रिस्क लिया। तो वो ये यार, ये अच्छी बात है कि जो ये है ना स्केलेटन्स, इनका कोई बेबी स्केलेटन नहीं होता, वरना भाई वो तो उसकी फूर्ति नहीं होती, वो शायद हमें मारने भी ना देता कभी। उसे बेबी स्केलेटन नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो माइनक्राफ्ट वालों ने सोचा नहीं है, मोजेंग वालों ने।
हेलो भाई, तो पहुंच चुके हैं हम अपने घर। बिल्कुल घर पहुंच चुके हैं। और मैंने घर आके थोड़ी वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी हैं सैपलिंग्स। ये मैं आते हुए मैंने तीन और तोड़ ली थी, क्योंकि मुझे याद आया था कि शायद से एक से नहीं, ये चार से ही होते हैं। एक से तो शायद ये, क्योंकि डार्क ओक है, थोड़ा मोटा पेड़ उगता है, तो चार से उगता है। मुझे थोड़ा सा कोल लेके आया था मैं उधर से, और मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इस, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर एक क्रिएटिव थिंग करूँगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्लास चाहिए था, इसलिए मैं सैंड को वो कर रहा हूँ। और थोड़े से आयरन मिला था, आयरन मैंने स्मेल्ट कर लिया है। और बाकी ये डार्क ओक है, और बाकी तो सामान नीचे मैंने लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि ब्रूइंग स्टैंड, एक क्राफ्टिंग टेबल हमने वहाँ बनाई थी, और एक ऊपर वो जो फर्नेस है वो, और ये सब यहाँ रख दिया है। ऊपर जो फर्नेस है वो भी तुम्हें पता है मैंने लेके गया, मतलब अपना बनाया था वहाँ पे, सॉरी यहीं से बना के लेके गया था मैं। तो ये सब सामान है। और हाँ, मैं अब स्कैफोल्डिंग बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं, तो स्कैफोल्डिंग बनाना बहुत आसान है। इसमें बैम्बू ज़्यादा यूज़ होते हैं जबकि वो कम होती हैं, तो मुझे लगता है 18 स्कैफोल्डिंग बने, कोई दिक्कत नहीं। 18 भी बहुत सारे हैं मेरे हिसाब से। मुझे लगता है मैंने ये ज़्यादा ले ली थी, तो इसकी वूल बना सकता हूँ ना मैं, लेकिन मैं वूल बनाऊंगा नहीं। मैं और स्केफ और बैम्बू ढूंढ के लेके आऊँगा बाद में, अभी तो पता नहीं यार। इन सबको ऑर्गेनाइज, तो अगले पार्ट में मैं शायद इन सबको नीचे वाले चेस्ट में ऑर्गेनाइज भी कर दूँ हर चीज़ को। हाँ, ये एंडरमैन उसने मारा था, गोलम ने उसका एंडर पर्ल, एक एंडर पर्ल लाया भाई हमारे पास। और ये दरवाजे के बाहर घंटी भी लगा देते हैं। यहाँ लगा दी घंटी हमने, और ये हो गया बढ़िया थोड़ा सा। और हाँ, ये डॉग मैंने वहाँ टेम किया था, वही है एक, ये तो पहले वाला है और ये दूसरे वाला है। तो चलो इसकी थोड़ी ब्रीड कराते हैं, इनकी ब्रीडिंग ब्रीडिंग कराते हैं। चलो भाई, इनकी एक नया डॉग मिलेगा। ये बात इतनी ज़्यादा बात में बढ़िया हो रहा है मौसम, मौसम भी एकदम कातिलाना है। हमने डार्क कुकवुड भी लिया है, और बहुत सारा काम हो गया आज भी। आज भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल ही गई हैं। अगले पार्ट में शायद से एडवेंचर की जगह मैं क्रिएटिविटी करने की कोशिश करूँगा, कुछ बढ़िया बनाने की। और ये ब्रूइंग स्टैंड तो हमें फ्री में मिल गया। अगले पार्ट में मैं डायमंड ढूंढूंगा, मुझे डायमंड चाहिए अब, मुझे नैदर बनाना है, नैदर पोर्टल चाहिए अब मुझे। तो मैंने, ओ भाई नीचे बैठ जा तू भी भाई, मेरे को नैदर पोर्टल बनाना है, तो उसके लिए डायमंड चाहिए होंगे। और ये तो हो गए, और रख देता हूँ मैं इतना। दोबारा पढ़े तो मैं बना लूँगा अच्छे खासे स्टैक्स, देखते हैं। और भाई ये हमारा एक्वेरियम बढ़िया लग रहा है, खतरनाक। और ये हमारा बेसमेंट रूम एकदम खतरनाक लेवल का हो रहा है। मैंने, तुमने देखा भाई की क्रिएटिविटी, अभी तो हुई नहीं है शुरू, अभी तो होगी। और ये हमारा, मैं कुछ, मुझे सीड नहीं मिले यार कोई बढ़िया। मुझे लगा था मुझे मेलन मिलेगा, मेलन नहीं मिला, मुझे मेलन भी चाहिए। और ज़रा पैर साफ करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बेड पर सो जाते हैं। अच्छा, नाइट नहीं हो रही अभी तो इतना। अच्छा, अभी अभी दिन निकला, वाह। चलो अच्छा भाई, बाय बाय, सी यू, टाटा। और मैं अब देखते हैं इस पे सो सकते हैं, तो वैसे तो दिन निकल गया। ओके, बाय, सी यू, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट।